आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज, खबरें आपसे आप तक। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने प्रेमचंद गोलंबर पर शहरवासियों के बीच लगभग 5000 मास्क और साबुन का वितरण किया। साथ ही उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए। पप्पू यादव ने कहा कि कार्यकर्ता जिले में भी जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा जब तक यह फैला है। संसद के पतन नहीं हो जाता। आप सबसे एक बार जब जन जमाव था तो यही वह जगह है जहां पर ट्रक भी डूब गया था, ट्रैक्टर भी डूब गया था, हर एक गाड़ियां यहां आकर के फंस जाती थी। हमने आज इसी जगह पर कोई नहीं था। माननीय राष्ट्रीय आपके बीच में कुछ कपड़ी आए थे, बहुत ज्यादा दिन आप ये जल जमाव से आसमानी पानी से आप डूबे थे, कोई बार नहीं था। यह सरकार द्वारा जो अव्यवस्था फैलाई गई थी, जो यहाँ के पानी की व्यवस्था देख रहे हैं, कर्मचारियों का जो घोर अनियमितता था, उनका लापरवाही था, उन लोगों के कारण जो जल जमा हुआ था। उस वक्त एक भी व्यक्ति थे जिनका नाम पप्पू यादव, जिनका नाम आपका सेवक आपका बेटा। पटना को और बिहार को घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर जिले में हमारे साथी आपके लिए उपलब्ध हो चुके हैं। पटना में लगातार एक सप्ताह मास्क और डिटोल साबुन बांटा जाएगा, और जरूरत हो तो आप मेरे डेरे पर भी आकर के मास्क और डिटोल साबुन ले सकते हैं, वहाँ उपलब्ध है। बहुत बहुत